फिर सामने आई ईवीएम में गड़बड़ी। हर बटन दबाने से निकली भाजपा की पर्ची। यूपी में चौथे चरण के तहत 9 जिलों में आज मतदान जारी है, लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि लखीमपुर खीरी के एक बूथ पर ईवीएम के हर बटन दबाने पर भाजपा की पर्ची निकल रही है, जिसके बाद वहां करीब 2 घंटे तक मतदान पर रोक लगी रही। लखीमपुर खीरी के फरदान थाना क्षेत्र के बूथ संख्या 85 पर मॉक पोल के दौरान कोई भी बटन दबाने से कमल की पर्ची निकल रही थी, इसको लेकर मतदान 2 घंटे तक बाधित रहा। मामला सामने आने के बाद तहसीलदार सदर और सेक्टर मजिस्ट्रेट डॉक्टर राकेश वर्मा ने मौके पर पहुंचकर नई ईवीएम मशीनें दी हैं। इसके बाद करीब 9 बजे मतदान दोबारा शुरू हो सका। समाजवादी पार्टी ने इस खबर को ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा, अगर मशीनों में गड़बड़ी नहीं होती तो ये क्या है, और ये इल्जाम कोई विपक्ष नहीं लगा रहा बल्कि अखबार कह रहा है। आखिर सारी गड़बड़ी कमल के फूल पर ही क्यों हो रही है? चुनाव आयोग इस पर संज्ञान ले, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खतरे में है। आपको बता दें कि प्रदेश में चौथे चरण के दौरान बांदा, फतेहपुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, पीलीभीत और उन्नाव में मतदान हो रहा है। यहाँ की 59 सीटों पर कुल 684 प्रत्याशी मैदान में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीक।